understand what the Rolat Act says. Bloody Indians! देश की आज़ादी के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और उन नामों की याद सूची बनाई जाए तो बहुत से नाम ऐसे होंगे जिनके बारे में आज भी कोई नहीं जानता, लेकिन इन सभी नामों में जो नाम सर्वाधिक विख्यात है वो है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। इन सभी को एक साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी और फिर इनके शवों को सतलज नदी के किनारे जला दिया गया था। उस समय इस बात से देश में एक क्रांति की लहर दौड़ पड़ी और ब्रिटिश राज ने स्वतंत्र होने के लिए चल रहे संघर्ष को एक नई दिशा मिली। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहोगे? यस सर, बिल्कुल सर। सोच लो, ये रास्ता खतरों से भरा है। एक क्रांतिकारी के लिए उसकी पार्टी, उसका मकसद सब कुछ है, फिर उसके जीवन में ना कोई आराम, ना कोई खुशी, ना सुख, ना प्यार, ना घर, ना परिवार, कुछ नहीं। हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए आदिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए आदिल में है। देख सकता है तो भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के आदिल बड़ी मुश्किल में है। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्ता, जालिमों से छीन लेंगे ये जमीन ये आसमां। सर फिरे जवान हम तो मौत से भी ना डरे, आज आए देश पे ये क्यों गवारा हम करे। मुल्क पे कुर्बान हो ये आरज़ू मिलते हुए है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।